हम लोग गांव के गाजीपुर स्कूल में हम दोनों पढ़ते थे। उसके बाद वहीं पे उससे मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद कई दिनों तक बात करते थे हम लोग। उसको मतलब कि जब वो अपने घर शादी करने के लिए बोली, उसको कोई भी मतलब कि नाराज़ हो गए सब। उसके बाद उसको मार के पीट के 2-3 साल पहले, और उसको इंदौर लेकर चले गए सब। और बार बार वहाँ पर टॉर्चर करते थे सब, और मतलब दबाव डालते थे लोग कि नहीं होगा नहीं होगा। उसे परेशान होकर वो हमको बुला के वो मेरे साथ चली आई। और कानपुर आने के बाद हम उससे निकाह किए, और उसके बाद कोर्ट मैरिज भी किए। उसके बाद उन लोगों ने कुछ दिन बाद हमारे भाई को फ़ोन करके, उसके भाई बोला कि आ जाइए, किसी 10 आदमी के बीच में उसकी शादी करवा देंगे और इज्जत भी बची रह जाएगी। उसके पास जाने के लिए उसको समझा रहे थे, वो रुकी थी कि जब तक हम नहीं आएंगे तब तक वो जाएगी नहीं। उसके बाद जब ये लोग पहुँचे ना, तो पीछे से उसके बाप और उसके पापा और उसके भाई दोनों पहुँच के उसे ज़बरदस्ती घर से खींच के ऐसे लेके चले आए, यहाँ तक कि वो चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी। उसके बाद बात करके बोल रहे हैं लोग कि हम 10 दिन के अंदर शादी करा देंगे। कल उससे बात भी हुई मेरी, तो बोल रहे हैं पापा जैसे बोल रहे हैं वैसे मानिए। तो हम उनको फ़ोन किए तो उसके पापा नहीं बोले। उसके भाई मैंने फ़ोन करके बोला कि हाँ हो जाएगा, 2-4 दिन वो लोग इंदौर जाएंगे, अब इंदौर से सब करवा देगा। हम बोले कि इंदौर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से करवा दीजिए, यहाँ पे आपका भी घर है मेरा भी घर है, और यहाँ पे नहीं हो पाएगा तो गोरखपुर करवा दीजिए, उनके यहाँ पे नेताजी इनके रहते हैं। फिर भी मतलब बोला हाँ हाँ करवा देंगे। कल रात को हम उसे फ़ोन कर रहे थे, 5 बजे तक बात हुआ उससे। उसके बाद फ़ोन किए, मैसेज किए, किसी चीज़ की रिप्लाई नहीं आई। और बाद में सुबह सुनने में आया कि उसकी मतलब कि हत्या हो गई है।